हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम लोग वैसे सेंटेंसेस का इंग्लिश बनाना सीखेंगे जो सुख में या दुख में बोले जाते हैं। हम दुख में या कोई भी इंसान दुख में कितनी तरह की बातें या कितनी तरह की एक्टिविटी कर सकता है या करता है, वो सारी बातें हम आज इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। और सुख में भी हम कितनी सारी एक्टिविटी और या खुशी एक्सप्रेस करने के लिए हम कितनी तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारे के सारे आज हम इंग्लिश में सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अगर आप में इंग्लिश सीखने की चाहत है तो इंग्लिश वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी होता है। ओके फ्रेंड्स, वरना आप शुरू में एक दो मिनट देखेंगे, अरे क्या है ये सब, नहीं समझ में आता है। अगर आपको आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बाहर निकल जाइए। लेकिन अगर आपको आती नहीं और आपको इंग्लिश सीखनी है तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वैसे सेंटेंसेस को लेंगे जो दुख में बोले जाते हैं। हाय, अब वह नहीं रही। अलास, शी इज नो मोर। आह, उसे गहरी चोट आई। आह, ही इज बैडली हर्ट। एक बात ध्यान देने वाली है कि दुख का गहन भाव इन विधियों से भी व्यक्त होता है, जैसे कि वह आंसू बहा रही है, शी इज शेडिंग टीयर्स। वह फूट फूट कर रो रही है, शी इज क्राइंग या वीपिंग बिटरली। वह जोर जोर से रो पड़ी, शी बस्ट इन टू टीयर्स। उसकी आंखें आंसू से भर गई, हर आईज आर फिल्ड विथ टीयर्स। रोते रोते उसका चेहरा भीग गया है, हर फेस इज वेट विथ टीयर्स। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई हैं, हर आईज आर रेड विथ टीयर्स। वह कराह रही है, शी इज ग्रोनिंग या शी इज मॉर्निंग या शी इज पीनिंग। आप तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे गहरा धक्का लगा है, शी इज ग्रीव्ड या शी इज शॉक्ड। वह घोर कष्ट में है, शी इज इन एंग्विश। तो देखा आपने दोस्तों, इतने सारे सेंटेंसेस हैं अपने दुख को व्यक्त करने का। या कोई भी पर्सन किसी के साथ भी दुखद घटना घटती है या उसके साथ दुख होता है तो इतनी तरह की सेंटेंसेस से हम दुख को व्यक्त करते हैं या एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो भी आपने देख ही लिया। अब हम देखेंगे सुखद पलों में बोली जाने वाली सेंटेंसेस जिससे हम अपने सुख को एक्सप्रेस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, वह हंस पड़ी, ही बस्ट इनटू लाफ्टर। वह मन ही मन हंस पड़ी, शी लाफ्ड अप हर स्लीव। वह एकाएक हंस पड़ी, शी ब्रोक इनटू अ लाफ। वह खूब खूब हंसी, शी लाफ्ड अ हार्टी लाफ। वह ठहाका लगा रही थी, शी रोल्ड विथ लाफ्टर। उसने हंसकर धन्यवाद दिया, शी लाफ्ड हर थैंक्स। उसके चेहरे पर मंद मुस्कान है, देयर इज अ स्वीट स्माइल ऑन हिज फेस। उसका चेहरा मुस्कान से भरा है, हिज फेस इज रेड इन स्माइल्स। वह दबी हंसी हंस रही है, शी इज चकलिंग टू हरसेल्फ। वह आनंद मना रही है, शी इज मेकिंग मेरी। वह खुशियां मना रही है, शी इज रिजॉइसिंग। वह आनंद विभोर में है, शी इज इन रैप्चर्स।
उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है. शी इज बिसाइड हरसेल्फ विद जॉय. वह हंसी के कारण बोल नहीं पाती. शी कांट स्पीक फॉर लाफिंग. वह ही कर रही है. शी इज गिगलिंग. ही करने को गिगलिंग बोलते हैं. वे हंसी मजाक कर रहे हैं. दे आर बैंटरिंग. वह आनंद मुद्रा में है. ही इज इन जॉली मूड. मैं हंसे बिना नहीं रह सका. आई कुडंट हेल्प लाफ. तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से दुख में बोली जाने वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे बोल सकते हैं और किस तरह से सुख में बोली जाने वाले सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे व्यक्त करते हैं. ओके फ्रेंड्स, ये सारे जो सेंटेंसेस थे इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए मैंने कोई स्ट्रक्चर नहीं बताया. ये इसको मेमोराइज कर लेना होता है इस तरह के सेंटेंसेस को. ओके फ्रेंड्स, वर्ड्स को आप मेमोराइज कर लेंगे तो बोल पाएंगे. ओके फ्रेंड्स, अच्छी तरह से बोल लेंगे आप. तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को वैसे लोगों तक शेयर किया कीजिए जिन्हें इंग्लिश सीखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप घर बैठे मुफ्त में इंग्लिश सीखते रहें. तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स. थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद. अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए. हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए. ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए. प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए. उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना.